उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लाखों लोगों के चेहरों की मुस्कान लौटने वाली है। नोएडा के सेक्टर 77 में होम बायर्स के लिए रजिस्ट्री कैंप लगाई गई। आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह ने बायर्स को रजिस्ट्री की फाइल सौंपी। सेक्टर 77 एक्सप्रेस जैनित सोसाइटी के इस रजिस्ट्री कैंप में 50 बायर्स को रजिस्ट्री की फाइल सौंपी गई। रजिस्ट्री की फाइल मिलने पर बायर्स के चेहरे पर मुस्कान दिखी। इसी सोसाइटी में रहते हैं, एक्सप्रेस जैनित सोसाइटी में रहते हैं, और हमें जब से हमने घर लिया था 2019 में, तब से हमें रजिस्ट्री का इंतजार था। फाइल सौंप ली गई और सबसे पहली रजिस्ट्री हमारी ही हुई है। जब से रजिस्ट्री ओपन हुई है तो हम मतलब बहुत खुश हैं। चैन की नींद तो अभी आएगी। देख, आशंका तो नहीं थी, मतलब काफ़ी टाइम से हम फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन ये है कि इसमें जो भी रीज़न था वो वैलिड रीज़न की वजह से ही पेंडिंग थी। हमने 2019 में अपना घर खरीदा था, उसके बाद से हमने स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी थी। अब आज से 5 साल बाद हमें अपना मालिकाना हक मिला है, तो हाँ, हम बहुत खुश हैं कि फाइनली यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भी ये लिया और ये पेंडिंग रजिस्ट्री का काम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि फाइनली हम लोगों को अपना मालिकाना हक मिल गया। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को रजिस्ट्री की फाइल मिल जाएगी। सेक्टर 77 सोसाइटी में रजिस्ट्री कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, उनके अलावा नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम भी मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम एक तरह से प्रिपरेटरी विजिट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम 7 और 10 के बीच यहां पे लगने वाला है, उसमें हजारों की संख्या में लोगों को रजिस्ट्री हैंड ओवर की जाएगी। और आज तो ये एक देखने की थी कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि रजिस्ट्री करने में लोगों को सुविधा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली बार सब रजिस्ट्रार ऑफिस अपने ऑफिस को छोड़कर आया है और आपके जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर उन्होंने अपना रजिस्ट्री का सेटअप यहाँ पे बनाया है और यहाँ सब ई रजिस्ट्री कर रहे हैं ये लोग। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये बहुत तेज होगा, बहुत एक्सेलरेट होगा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद और तेज़ी से बिल्डर और बायर मोबिलाइज होंगे। और ये सरकार की सोच है कि अगले 3-4 महीने में ये सारे जो 3-4 लाख के आसपास रजिस्ट्री पेंडिंग है, इनका निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी की इस पहल से लाखों लोगों की चांदी होने वाली है, क्योंकि रजिस्ट्री ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए फ्लैट खरीदारों को न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता। लेकिन सीएम के इस पहल से लाखों लोगों की परेशानी कम होने वाली है। यही है कि होम बायर्स इस पहल के लिए सीएम का धन्यवाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।